सोडियम इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है चलिए जान लेते हैं इस इंजेक्शन को आईएम और आईबी दोनों दिया जा सकता है लेकिन ज्यादातर डॉक्टर इस इंजेक्शन का उपयोग आईएम करते हैं यानी इंट्रा मस्कुलर पर यह इंजेक्शन लगाया जाता है या हमारी बॉडी में पेन किलर के तौर पर यह इंजेक्शन लिया जाता है रिलीफ पेन स्वेलिंग इन्फ्लामेशन डोमिनल पेन इन सब पेन को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है और जैसा कि जोड़ों में अकड़न की समस्या हो जाती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है पैर में फ्रैक्चर हो जाता है तब तभी इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है हाथ में दर्द की समस्या रहती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और जैसे कि टांग में दर्द की समस्या रहती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या रहती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है जबड़े में दर्द की समस्या रहती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और जैसे कि इस इंजेक्शन का उपयोग गाउट की समस्या में किया जाता है माइग्रेन की समस्या में किया जाता है टांगों में दर्द की समस्या में किया जाता है बदन दर्द की समस्या में किया जाता है साटका के प्रॉब्लम में किया जाता है पैरों में दर्द की समस्या में किया जाता है कंधे में दर्द की समस्या में किया जाता है मोच हो जाता है तभी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है एड़ी में दर्द की समस्या रहती है तभी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है कलाई में दर्द की समस्या रहती है तब इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और जैसे कि मांसपेशियों में दर्द की समस्या रहती है तभी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है दांत की समस्या में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है दांत दर्द की समस्या में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है गठिया संबंधित दर्द में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है इंजेक्शन को आई एम और आईबी दोनों दिया जा सकता है लेकिन ज्यादातर इस इंजेक्शन का उपयोग आईएम ही करते हैं आईएम ज्यादा सेफ माना जाता है